उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलताओं से दूर रहने की कसक को दूर करने में राष्ट्रीय लोकदल जुट गई है। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए रालोद ने अपने प्रकोष्ठ अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। इन प्रकोष्ठ अध्यक्षों के जरिए रालोद बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रालोद छात्र सभा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमन पांडे ने डेली इंसाइडर से क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल चुनौती है ये, और इसको मैं चुनौती की तरह स्वीकार भी करता हूँ कि पार्टी का विस्तार करना है, पैन यूपी विस्तार करना है, और छात्रों की समस्या जो है, जो युवाओं की समस्या है, उसको लेकर के हम लोग सरकार तक जाएंगे, मांग उठाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों की पार्टी होने का टैग रालोद पर काफी लंबे समय से लगा है। इस टैग को हटाने को लेकर भी पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। इसको देखते हुए प्रकोष्ठ अध्यक्षों की नियुक्ति पूरे यूपी के अलग अलग क्षेत्रों से की गई है, साथ ही जातिगत समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल खत्म कर रहे हैं आप मेरी नियुक्ति से, देखिए मैं गाजीपुर का नेटिव हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, तो ये जो सो कॉल टैग मिला था मेरे की जाटों की पार्टी है, ये इस कल जो लिस्ट बनी आप देखिए उसमें जाट एक भी नहीं है, तो ये सर्व समाज की पार्टी, छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, जैसा हमें नेता हमेशा कहते हैं इस चीज को। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अमन पांडे सिरे से नकारते हैं कि जयंत चौधरी की काट वो बन सकते हैं। वो कहते हैं कि जयंत चौधरी सर्व समाज के नेता हैं, युवाओं और छात्रों के नेता हैं, उनको सीमित नहीं किया जा सकता। मैं उनको उनकी काट की तरफ नहीं देखता, मैं नहीं देखता, और जयंत चौधरी जी सिर्फ जाटों के नेता नहीं है, जयंत चौधरी जी पैन नॉर्दर्न इंडिया के नेता हैं, मैं बोल सकता हूँ उनको, सर्व समाज के नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, छात्रों के नेता हैं, सबके नेता हैं, वो सिर्फ एक बिरादरी के नेता नहीं है, उनको सीमित मत करिए। रालोद पार्टी विस्तार को लेकर सक्रिय है और युवाओं पर पूरा फोकस है। जयंत चौधरी भी लगातार सक्रिय हैं और युवाओं और किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर हैं। उनकी ये सक्रियता कितना रंग लाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए सुशील कुमार और बाबूलाल की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।